कुशेश्वर स्थान से खगड़िया, इसी तरीके से बाबा धाम देवघर, सहरसा से देवघर मुंगेर होते हुए भागलपुर की स्थिति कब होगी? एक राजधानी को हाजीपुर में रुकने का, जो हम आते हैं हाजीपुर में नहीं रुकती है, दानापुर को कटल करके हाजीपुर को राजधानी की व्यवस्था कर, इस तरीके से बापू धाम 15 दिन 20 दिन महात्मा गांधी मोतिहारी में रहे, लेकिन 3 महीना महात्मा गांधी, 13 महीना आप पश्चिमी चंपारण में, आप उस जमीन को आप प्राथमिकता नहीं दे रहे, रक्सौल आप कह रहे हैं, लेकिन रक्सौल से कोई ट्रेन समस्तीपुर, रक्सौल से सीतामढ़ी होते हुए, दरभंगा होते हुए समस्तीपुर को आप ट्रेन से जोड़ी, इसकी डिमांड हुई किसी भी परिस्थिति में। यहां पर जो फैक्ट्री है उसकी स्थिति सबसे बुरी है, इसको आप तवज्जो क्यों नहीं देते? जो जमीन रेलवे की है, दूसरी चीज आप बसाने के लिए आप ले चुके हैं, जब मन में आपको आता है पॉलिसी बनाते हैं और उसके बाद आप बरसात में, बाढ़ में, ठंड में आप घर को तोड़ने लगते हैं, आप उसकी व्यवस्था नहीं करते या लोकल सांसद। तो रेलवे डेवलपमेंट के मामले में कहते तो हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन काफी स्लो, सहरसा से कुशेश्वर स्थान नहीं हुआ, बीरपुर टू बीरपुर का नहीं हुआ, बिहारीगंज से मुरलीगंज भीमनगर का नहीं हुआ, जो स्थिति मिथिला और कोसी की है वह रेलवे के मामले में जो सपना ललित बाबू या लोगों ने देखा था, आज भी हम सिर्फ ब्रॉडगेज में आ सके, हम नए रेलवे लाइन को जोड़ने की व्यवस्था हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आज तक नहीं कर सके। किस तरीके से आप क्या करेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण, आप पैसे लेते हैं लेकिन सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था नहीं होती किसी भी रेल, प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट नहीं करते, प्लेटफॉर्म को आप ऊंचाकरण नहीं करते, तो इस पर काफी जो चीजें, अब पैसा चाहिए हमको 300 करोड़, तो हमको 2 करोड़ की आप दिए, 10 करोड़ दिए, इससे डेवलपमेंट कितने साल के बाद होगा भाई? लगातार मौत हुई है।